दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे चैनल रितेश एलआईसी एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जीवन अक्षय 6 प्लान नंबर 189 इसकी एन्युटी से संबंधित इन्फॉर्मेशन की अगली वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इसकी पहली वीडियो जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आपने देखा होगा। दूसरी वीडियो जिसमें एन्युटी से ही संबंधित इन्फॉर्मेशन दी गई है लेकिन आधी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल है उसको भी आपने देखा होगा, और यदि आपने नहीं देखा है तो मैं कहूंगा कि पहली और दूसरी वीडियो आप देख लें, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना शुरू करें। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं एन्युटी इन्फॉर्मेशन से संबंधित जो शेष जानकारी है उसको इस वीडियो के जरिए बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो यदि यह जानकारी आप चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक आप देखते रहें। जीवन अक्षय 6 में एलआईसी क्या कहती है? ऑप्शन जी के अंतर्गत अगर ऑप्शन जी को कस्टमर चूज करता है तो एलआईसी क्या पेमेंट करेगी? एलआईसी का कहना है कि जो पेंशन निर्धारित होगा उसका 3% सिंपल ब्याज जोड़कर हम प्रतिवर्ष इंक्रीज करते हुए कस्टमर को देते जाएंगे। ऑप्शन एच के अंतर्गत जिस कस्टमर ने पैसा जमा किया जीवन अक्षय 6 में उसको आजीवन पेंशन मिलता रहेगा, और जब वह नहीं रहेगा तो उसका जीवन साथी उसे 50% जितना उसको पेंशन मिल रहा था उसका ठीक आधा पेंशन उसके जीवन साथी को स्पाउस को मिलता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि मेल इन्वेस्टमेंट कर रहा है जीवन अक्षय 6 में तो उसके जीवन साथी यानी उसकी पत्नी को पेंशन का 50% रिटर्न होगा, और यदि पत्नी यानी वाइफ अगर पैसे को इन्वेस्ट कर रही है तो उसके न रहने पर जितना पेंशन एलआईसी उसको देती थी पत्नी को देती थी उसका 50% उसके हस्बैंड को। ऑप्शन आई क्या कहता है? ऑप्शन आई और एच मिलता जुलता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ऑप्शन आई में डिपॉजिट करने वाले व्यक्ति को जीवन भर पेंशन मिलेगा, और जब वह नहीं रहेगा तो उसके बाद उसके जीवन साथी को जितना पेंशन उसको मिलता था उतना ही पेंशन उसके जीवन साथी को भी मिलता रहेगा। इसके बाद आता है ऑप्शन जी। ऑप्शन जी बहुत ही खूबसूरत है। जीवन भर पति पत्नी दोनों को पेंशन मिलेगा, यानी प्रपोजर जिसने पैसा जमा किया उसको जीवन भर मिलेगा, जब वह नहीं होगा तो उसके जीवन साथी को जीवन भर मिलेगा, जब दोनों नहीं होंगे तो जो उनका नॉमिनी होगा पॉलिसी में उसको जितना पैसा इस कस्टमर ने जमा किया है वह वापस। तो उम्मीद करता हूं कि यह इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन यदि नहीं समझ में आई है तो कोशिश करता हूं एग्जाम्पल के तहत बताने का, और मेरा प्रयास होगा कि साधारण एग्जाम्पल के जरिए बताकर जो कंफ्यूजन है वो दूर की जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जी को देखते हैं। एन्युटी इंक्रीजिंग एट 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट क्या है? रिपोर्ट डेट आज की डेट में मैं यह कैलकुलेशन कर रहा हूं। डेट इसलिए मेंशन कर रहा हूं इसमें क्योंकि आने वाले समय में आज के 2-3 साल के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप यह जान जाए कि कैलकुलेशन आज की डेट में किया गया। सपोज दैट 30 साल का हमारा कस्टमर है जो कि 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है जीवन अक्षय 6 में, तो जीएसटी इस पर हो जाएगी 9,000 रुपए, यानी 5,09,000 रुपए हमारे इस कस्टमर को जमा करना होगा जीएसटी के साथ। और कस्टमर हमारा ऑप्शन जी के अंतर्गत यानी वह चाहता है कि 3% प्रति वर्ष इंक्रीज होकर उसको पेंशन मिले। क्या मिलेगा यदि मंथली मॉड चूज करता है? यदि हमारा ग्राहक कहता है कि नहीं हमको महीने में पैसा चाहिए तो 30 साल की एज पर मंथली मॉड में पेंशन लेने पर 5.02% का इंटरेस्ट एलआईसी उनको देगी, यानी हर महीना 2129 रुपए की पेंशन इनको मिलती रहेगी। यदि क्वार्टरली मॉड चूज करते हैं तो 5.05% का इंटरेस्ट एलआईसी देगी जिसमें 6,425 रुपए की पेंशन हर 3-3 महीने पर मेरी एलआईसी पेमेंट करती रहेगी। यदि हाफ ईयरली मॉड चूज करते हैं तो जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 5.09%,
यानी 12,950 रुपए हर 6-6 महीना पर मेरी एलआईसी पेमेंट करते रहते। ईयरली मॉड अगर कस्टमर चूज करता है कि मुझको ईयरली पेंशन चाहिए, तो उस कंडीशन में 5.18% का इंटरेस्ट मेरी एलआईसी देगी, यानी 26,350 रुपए की पेंशन प्रति वर्ष इस 30 साल के व्यक्ति को मिलती है। यह तो रहा 30 साल के व्यक्ति के लिए। अब देखते हैं अगर एज कस्टमर की 40 साल की है तो उस कंडीशन में कितना पेमेंट होगा इस नियम के तहत। मंथली मॉड में 2,271 रुपए महीना महीना मिलेगा। तीन महीना पर अगर कस्टमर लेता है तो 6,850 हर 3 महीने पर मेरी एलआईसी भुगतान करेगी। यदि 6-6 महीने पर कस्टमर पेंशन के ऑप्शन को चूज करता है तो उस कंडीशन में 13,825 हर 6 मंथ पर मेरी एलआईसी भुगतान करेगी। और यदि ईयरली अमाउंट चूज करता है तो उस कंडीशन में 28,150 का भुगतान मेरी एलआईसी करती रहेगी साल का साल। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यदि हमारे कस्टमर की एज 50 ईयर है, उस कंडीशन में मेरी एलआईसी क्या पेमेंट करती है। यदि मंथली मॉड मेरा कस्टमर चूज करता है तो 2,533 50 साल के व्यक्ति को मेरी एलआईसी पेंशन पे करेगी। यदि क्वार्टरली चूज करता है तो 7,650 रुपए, हाफ ईयरली चूज करता है तो 15,450 रुपए, और यदि ईयरली मॉड चूज करता है तो 31,500 रुपए का भुगतान मेरी एलआईसी करती रहेगी। यानी जैसे कस्टमर की अगर एज ज्यादा है तो उस कंडीशन में कस्टमर को जो इंटरेस्ट है वो कुछ अपेक्षाकृत ज्यादा मिलेगा। मुझे लगता है इसके पीछे जो वजह है वह वजह यह है कि जो जिसकी उम्र कम है 30 साल वाला व्यक्ति 50 साल वाले व्यक्ति की अपेक्षा व्यवहार में अगर देखा जाए तो उसका जीवन ज्यादा होगा। तो मुझको लगता है शायद इसी वजह से एलआईसी 30 साल वाले व्यक्ति को जो इंटरेस्ट रेट है वो कुछ कम दे रही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म एलआईसी को पेमेंट करना होगा। आइए अब इसको एक एग्जांपल से और देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3% की बात है तो उस 3% की बात तो कैसे 3% का जो रूल है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे कस्टमर ने जो 30 साल के व्यक्ति हैं उन्होंने 5,09,000 रुपए इन्वेस्ट किए। अब एलआईसी क्या करेगी, एलआईसी इनको जो पेमेंट करेगी पहले साल करेगी 26,350 रुपए। अगले साल क्या होगा तो 26,350 का 3% ज्यादा मेरी एलआईसी पेमेंट करेगी, यानी 790.50 रुपए जुड़ जाएंगे। यानी 26,350 में 790.50 रुपए जुड़ दिए, यानी 27,140.50 रुपए। यानी दूसरे साल कितना मिला 27,140 रुपए। तीसरे साल क्या मिलेगा तो 27,140 रुपए में ये 3% यानी 790.50 रुपए जोड़ दिया, यानी 27,930.50 रुपए का भुगतान मेरी एलआईसी करेगी। यानी कितना हो गया 27,931। यानी इसी तरह से प्रतिवर्ष 3% बढ़ता जाएगा, यानी चौथे साल 28,722, पांचवें साल 29,515, इसी तरह से प्रतिवर्ष इंक्रीज 3% के हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। और जब कस्टमर की डेथ हो जाएगी तो एलआईसी से सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, यानी उसको आजीवन पेंशन 3% के ग्रोथ में कस्टमर को आजीवन पेंशन मिलेगा, और जब कस्टमर की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद एलआईसी से रिश्ते खत्म हो जाएंगे। अब एक चीज और दिमाग में आता है कि कस्टमर को बेनिफिट क्या होगा, इसको देखते हैं। ऑप्शन जी में अगर मेरा कस्टमर इन्वेस्ट करता है तो मेरे कस्टमर को क्या बेनिफिट होता है इसको हम देखते हैं। मान लीजिए जिस व्यक्ति ने, जो 30 साल के व्यक्ति हैं, इन्होंने इन्वेस्ट किया 5 वर्ष ऑप्शन जी के अंतर्गत और 5 साल ही पेंशन ले पाते हैं और उसके बाद डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होगा। पहले साल मेरा 26,350, दूसरे साल 27,140, तीसरे साल 27,931, फिर 28,722, 29,512 रुपए, यानी कुल मिला के 1,39,655 रुपए मिला। और कस्टमर की अगर डेथ हो जाती है 5 साल के बाद ही, तो उस कंडीशन में सारे के सारे पैसे जो कस्टमर ने जमा किए वही ज्यादा होगा, कस्टमर को पैसे कम मिले, यानी हमारा कस्टमर नुकसान में चला गया। यदि 10 साल पेंशन ले पाता है कस्टमर तो उस कंडीशन में 2,99,072 रुपए रिटर्न होंगे, यानी यहां पर भी कस्टमर को नुकसान जा रहा है। यदि 15 साल कस्टमर पेंशन ले पाता है तो 3,18,835 रुपए मिलेंगे, यहां भी कस्टमर नुकसान में जा रहा है। और यदि 20 साल पेंशन लेता रहता है तो उस कंडीशन में 5,17,778 रुपए कस्टमर को पेंशन मिलते हैं, यानी इस समय कस्टमर ने जितना पैसा जमा किया नियर अबाउट उतना पैसा 20 साल में रिटर्न करता है,
यानी 30-20-50 साल में कस्टमर को उतना ही पैसा इस पॉलिसी से मिल पाएगा जितना उसने इन्वेस्ट किया। अगर 30 साल का व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है तो यानी आप समझ सकते हैं कि इस ऑप्शन के अंतर्गत अगर इन्वेस्ट किया जाए तो अगर लॉन्ग टर्म कस्टमर की लाइफ है देन फायदा है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बहुत बढ़िया बेनिफिट इस ऑप्शन के अंतर्गत है। वैसे जैसे कस्टमर की जरूरत होती है उस हिसाब से कस्टमर को पॉलिसी सेल की जाती है। आइए अब नेक्स्ट ऑप्शन पर देखते हैं। अगला ऑप्शन कहता है कि जीवन भर कस्टमर को पेंशन मिलेगा, उसके बाद जब कस्टमर नहीं होता तो उसका जो जीवन साथी है उसको जितना पेंशन मिल रहा था, कस्टमर को जितना पेंशन मिल रहा था उसके जीवन साथी को उसका आधा बना हुआ है। इस ऑप्शन को कहते हैं एच फॉर लाइफ एंड देयर आफ्टर 50% टू स्पाउस। हमने 30 साल के एज की व्यक्ति को ले लिया जिसने की 5,09,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए मेरी लाइफ से। अब इस कस्टमर को अगर मंथली में पेंशन लेना चाहता है तो उस कंडीशन में इस 30 साल के व्यक्ति को मिलेगा 2,825 रुपए। क्वार्टरली मोड में अगर पेंशन लेता है तो 8,538 रुपए हर 3-3 महीना पर पेंशन मिलेगी। हाफ ईयरली मोड में अगर मेरा कस्टमर पेंशन लेता है तो उस कंडीशन में 17,225 रुपए की हर 6-6 महीना में पेंशन मिलती रहेगी। ईयरली मोड में अगर लेता है तो 35,200 रुपए की पेंशन मिलती रहेगी प्रतिवर्ष। और जब भी कस्टमर नहीं होगा तो उस कंडीशन में जितना कस्टमर पेंशन ले रहा था उसका ठीक आधा, यानी मंथली ले रहा था तो कस्टमर जब तक जीवित था तो 2,825 रुपए की महीने पेंशन मिल रही थी, उसके न रहने पर उसके जीवन साथी को 1,413 रुपए यानी 1,413 रुपए का पेमेंट मेरी LIC उसके जीवन साथी को करेगी। यदि क्वार्टरली मोड में मेरा कस्टमर पेंशन ले रहा था तो जब तक वो जीवित था 8,538 रुपए की पेंशन उसको मिल रही थी, और जब मेरा कस्टमर नहीं है तो उसके जीवन साथी को 4,269 रुपए की पेंशन मेरी LIC रिटर्न करेगी। ठीक इसी तरह से हाफ ईयरली मार्ट में स्पाउस को रिटर्न होगा 8,631 रुपया और ईयरली मार्ट में रिटर्न होगा 17,600 रुपया। और जब भी दोनों पति पत्नी नहीं रहते हैं तो जो पैसा कस्टमर ने जमा किया उसमें से फिर कोई रिटर्निंग नहीं हुई, यानी आजीवन कस्टमर को जितना पेंशन मिलेगा उसका ठीक आधा उसके न रहने पर उसके जीवन साथी को मिलेगा। ऑप्शन एच के बाद आता है ऑप्शन आई। ऑप्शन आई में क्या है आइए इसको भी देखते हैं। ऑप्शन आई कहता क्या है कि जीवन भर कस्टमर को पेंशन मिलेगा और जितनी पेंशन कस्टमर को मिल रही थी उतनी ही पेंशन उसके जीवन साथी को, यानी 100% रिटर्न होगा स्पाउस। इसको ऑप्शन आई कहते हैं। आइए इसको भी एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मंथली मोड में अगर मेरा कस्टमर पेंशन ले रहा है तो 6.56% के इंटरेस्ट से उसको पेंशन मिलेगी ऑप्शन आई के अंतर्गत, अगर उसकी एज 30 साल की है 2,783 रुपए। क्वार्टरली मोड में ले रहा है तो 6.60% के हिसाब से मिलेगा यानी 8,400 रुपए हर 3-3 महीने। हाफ ईयरली मोड में 16,975 रुपए मिलेगा हर 6-6 महीने पर, और ईयरली मोड में अगर लेता है तो 6.81% के हिसाब से पेंशन उसको मिलेगी 34,650 रुपए। यह आजीवन उसको मिलती रहेगी। और जब भी मेरा कस्टमर नहीं होता है तो उसके जीवन साथी को जितना पेंशन उसको मिलता था उतनी ही पेंशन उसको उसी तरह से मिलती है। लेकिन जब दोनों लोग नहीं रहेंगे, पति पत्नी दोनों नहीं रहते हैं, तो फिर किसी तरह की कोई वापसी नहीं है। एक और ऑप्शन है और यह ऑप्शन भी मेरा सबसे फेवरेट ऑप्शन है, ऑप्शन जी। 30 साल के व्यक्ति हैं, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया 5,09,000 रुपए जीवन अक्षय 6 के ऑप्शन जे के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं कि इस ऑप्शन में मेरे कस्टमर को क्या फायदा होता है। फॉर लाइफ ऑफ प्रपोजर एंड स्पाउस विद रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस ऑन डेथ। आइए इसको देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मंथली मोड में अगर कस्टमर पेंशन लेता है यानी 5,09,000 रुपए जीवन अक्षय 6 के ऑप्शन जे में अगर कस्टमर ने इन्वेस्ट कर दिया तो आजीवन उसको अगर मंथली मोड में पेंशन ले रहा है तो 6.44% के हिसाब से महीने का महीना 2,733 रुपए का रिटर्न उसको मंथली मिलता है।
क्वार्टरली मॉड में अगर ले रहा है तो 8,250 हर तीन तीन महीने पर रिटर्न कर रहा है। हाफ ईयरली मॉड में अगर लेता है तो मेरे इसी कस्टमर को 16,675 रुपए की हर 6 महीना में पेंशन मिलती रहेगी। और ईयरली मॉड में अगर लेता है तो 34,050 रुपए की पेंशन आजीवन मिलती रहेगी जब तक कस्टमर हमारा जीवित रहेगा। स्पाउस के लिए जितनी पेंशन जिस टर्म में मिल रही थी उतनी ही पेंशन आजीवन उसी टर्म में मिलती रहेगी। यानी मंथली मॉड में 2,733 उसको मिलता था, कस्टमर की डेथ हो गई उसके बाद अगर उसका जीवन साथी जीवित है तो उसको 2,733 रुपए की मंथली पेंशन मिलेगी। क्वार्टरली मॉड में ले रहा था तो जब तक वह जीवित था 8,250 रुपए हर तीन तीन महीने पर पेंशन पा रहा था, अब वह नहीं है तो 8,250 रुपए की पेंशन उसके जीवन साथी को मिलेगी। ठीक इसी तरह से हाफ ईयरली और ईयरली मॉड में भी नियम लागू है। इसमें खास चीज क्या है, पति और पत्नी दोनों ने पेंशन लिया उसके बाद जब दोनों नहीं रहते हैं तो जो इनका नामनी है उसको जितना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है 5,00,000 रुपए उसके नामनी को रिटर्न करें। तो यदि आप जीवन अक्षय सिक्स की दूसरी वीडियो और जीवन अक्षय सिक्स की तीसरी वीडियो अगर आपने या पूरी की पूरी अगर आप देखी है तो मुझे लगता है कि अगर मुझे पसंद आ रहा है तो आपको भी अच्छा लगेगा। ऑप्शन एफ और ऑप्शन जी, ये दोनों ही ऑप्शन इस योजना के लिए काफी अच्छे हैं, जिसमें कि कस्टमर के नुकसान होने के चांसेस नहीं है, उनकी जो कैपिटल वो जमा कर रहे हैं वो हमेशा बेनिफिट है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। दोस्तों अभी कल एक मित्र महोदय ने कमेंट के जरिए क्वेश्चन किया हुआ था कि सर जब ऑप्शन एफ बढ़िया है, और शायद हो सकता है आज इस वीडियो को देखने के बाद कहें कि ऑप्शन जे भी सर बढ़िया है तो शेष ऑप्शन की क्या हो सकता है। देखिए सर है क्या, एक्चुअली हर इंसान की जो जरूरत है वो अलग अलग है, इंसान की कमाई भी अलग है, उसकी आवश्यकताएं भी अलग है। किसी को तत्काल पैसों की ज्यादा आवश्यकता होती है, किसी को लॉन्ग टर्म की बात पैसों की आवश्यकता। हालांकि अब इस विषय में जाएंगे तो काफी बड़ा बातें काफी लंबी होती जाएंगी। तो LIC ने है क्या कि सभी जो इंडिया के जितने लोग हैं लगभग हर तरह के लोगों को और उनकी जरूरतों को देखते हुए योजनाओं को लॉन्च करती है, उसी तरह के नियम बनाती है और समय समय पर उसमें परिवर्तन भी करती है। आप देखे होंगे कुछ समय तक कुछ पॉलिसियां चलती हैं, उसके बाद पॉलिसी बंद करके फिर उसमें कुछ नया संशोधन करके कुछ आ जाता है, तो यह इन्हीं चीजों का परिणाम है। तो अच्छा अब रही बात वीडियो जो बना रहा हूं इसमें जो ऑप्शन LIC ने दिए हैं, LIC की क्या क्राइटेरिया है, क्या नियम है उस पॉलिसी के, वीडियोज के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही। एक और चीज को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कुछ मित्र शुरुआती दौर में कह रहे थे सर आप बहुत ज्यादा बातों को फास्ट बोलते हैं, तो सर थोड़ा धीरे बोले तो समझने में आसानी होगी। मैंने भी इसको देखा और देखने के बाद मैंने प्रयास किया कि थोड़ा सा धीरे टर्म में बोला जाए। अभी क्या है कि एक मित्र महोदय ने कहा कि सर आप बहुत ज्यादा धीरे बोलते हैं, थोड़ा तेज बोले तो चीजों को समझना आसान होगा, काफी टाइम वेस्ट करता है। मित्र महोदय मैं समझ सकता हूं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों के कमेंट यह होते हैं सर आप हिंदी में बोलते हैं, आप अंग्रेजी में बोलें तो अच्छा हो जाता। सर पॉसिबल नहीं है, नहीं किया जा सकता, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, दिल से क्षमा चाहूंगा। अपने बुद्धि विवेक के अनुसार मेरा प्रयास यह होता है कि पॉलिसी की LIC की चीजों की जानकारी बेहतर ढंग से मैं दे सकूं। मैं यह नहीं कहता हूं कि जो मेरी जानकारी है वो सबसे ज्यादा है, मुझसे भी बहुत ज्यादा समझदार यानी लोग हैं धरती पर, लेकिन मेरा प्रयास यह है कि माता सरस्वती की कृपा से जो बुद्धि विवेक ईश्वर ने मुझे दिया हुआ है उस हिसाब से बेस्ट जो मैं दे सकता हूँ वह देने का इन वीडियो के जरिए प्रयास करता हूँ, जिसका लाभ आप अपने लाइफ में अगर आज अभी करता है तो आप अपने एजेंसी करियर में उठा सकें, यदि आप विकास अधिकारी हैं तो आप अपने एजेंटों को ट्रेन कर सकें, यदि आप ग्राहक हैं
और अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सही जानकारी के साथ आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें जिसका लाभ आपको भविष्य में मिले। मेरा ध्येय सिर्फ यही रहता है। अब रही बात वीडियो लंबा होना या वीडियो छोटा होना, हिंदी में बोलना या इंग्लिश में बोलना, उर्दू में बोलना बंगाली में बोलना, दैट इज इम्पॉसिबल सर, नहीं हो सकता है। और इसके लिए बुरा न माने सर, मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। दोस्तों, तमाम तरह की क्वेश्चंस के आंसर मैं कमेंट बॉक्स में ही दे देता हूँ, लेकिन फिर भी यदि आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है और आप उनके आंसर चाहते हैं, आप किसी पॉलिसी के विषय में जानकारी चाहते हैं, हमारी मेल आईडी है ritesh.lic@gmail.com। आप इस पर कुछ भी लिखकर आप एक मेल सेंड करें। जैसे ही आप हमें मेल सेंड करेंगे, एक रिप्लाई ऑटो मेल आपके मेल पर तुरंत पहुंचेगा। उस ऑटो मेल में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कुछ वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। आप क्वेश्चंस के उत्तर आप दे दें और वीडियो को देख लें, उसमें टर्म कंडीशन क्या है वो बताई गई है। उस आधार पर आप हमें संपर्क करें, निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन के उत्तर दिए जाएंगे। यदि आप हमसे मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान रास्ता है गूगल। गूगल सर्च इंजन में रितेश इलायची एडवाइजर डालकर सर्च कीजिए। फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस, जो भी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां से मैं जुड़ा हुआ हूं, उसके लिंक गूगल प्रोवाइड कर देगा। और उस लिंक के जरिए यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो सच मानिए, आपसे दोस्ती करके मुझे बेहद खुशी होगी। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आप टाइम निकाल कर आप हमारी वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए दिल से मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। इंसान हूँ, कमियाँ मुझ में भी हैं। अगर कहीं मेरी किसी बात से, किसी वाणी से अगर आपको तकलीफ लगी हो तो मैं दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और सच मानिए, मेरा कहीं भी उद्देश्य यह नहीं होता है कि मैं आपके मन को तकलीफ दूँ। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।